केरल में हुआ सीरियल ब्लास्ट, एक की मौत, 36 लोग घायल। केरल में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से की बातचीत, हर संभव मदद का दिया भरोसा। केरल में हुए धमाके के बाद यूपी में अलर्ट जारी, इंडिया इंग्लैंड मैच के दौरान लखनऊ में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में हमास के 450 ठिकानों पर बरसाए बम। इजराइल और हमास की जंग में मरने वालों की संख्या अब 9000 के पार। गाजा पट्टी में रविवार सुबह टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन आंशिक रूप से बहाल, मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा दी गई जानकारी। महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण को लेकर दो बसें जलाई, पथराव कर अन्य बसों में भी की तोड़फोड़। दिल्ली में और जहरीली हुई हवा, जहांगीरपुरी में 566 और नोएडा में 490 पहुंचा इक्वा। दुकान बंद कर घर जा रहे ज्वेलर्स को गोली मारकर की लूटपाट, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंबई की सड़कों पर 6 दशक से चल रही काली पीली टैक्सी अब नहीं आएगी नजर, पद्मिनी का लास्ट डे।